हाँ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता की वृद्धि और विकास। मतलब जो अधिगमकर्ता है, जो अध्ययन करने वाला है, उसकी वृद्धि और विकास। तो इसमें मैं आगे आपको बताऊंगी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और मानव विकास की प्रकृति क्या है। मानव विकास की प्रकृति मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास है। बालक लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके सभी अंग धीरे 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 पुष्ट तथा विकसित होने लगते हैं। जब पूर्ण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप में विकसित होने लगती है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। मुनरो के शब्दों में, मुनरो नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वही विकास कहलाती है।